नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 15 तारीख तक के करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में चल रही एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और दोस्तों आने वाली एचएसएससी की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 12 सेकंड का समय भी दिया जाएगा ताकि आप अपना आंसर अच्छे से नोट कर लें, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी या फिर तीसरे का सी, और बाद में मिलाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं या गलत। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा किस व्यक्ति को किया जाएगा, कपिल देव को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में पाए जाने वाले मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, किस राज्य में पाए जाने वाले हैं, वह राजस्थान राज्य के मकराना के संगमरमर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे इंडिया वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका, प्रिया प्रियदर्शनी जैन को इंडिया वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के विदेश मंत्री किस शहर में 52वें आसियाना शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, किस शहर में है, बैंकॉक शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई के विदेश मंत्री 52वें एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी महिला खिलाड़ी ने T20 में 100 विकेट और 1000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कौन सी महिला खिलाड़ी है, वह एलिसे पेरी है, ऑस्ट्रेलिया से है जो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस देश को 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारत गाम्बिया देश को 50 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो किसको दिया गया है दोस्तों, एनसीबी का अतिरिक्त प्रभार राकेश अस्थाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय मूल के डॉक्टर को मिस इंग्लैंड 2019 चुना गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारतीय मूल के डॉक्टर बासा मुखर्जी को मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग में छात्रों के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैली डिग्री योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने वैली डिग्री योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गिरिराज प्रसाद गुप्ता को सीजीए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो किस स्थान पर पश्मीना परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय मानक ब्यूरो ले स्थान पर पश्मीना परीक्षण केंद्र स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने किस देश के बैंक को भारत में नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है? तो किस देश के दी है दोस्तों, बैंक ऑफ चाइना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा संघाई कनेप्स के साथ जोड़ने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो कौन सा बना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई ने पीएनबी पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आरबीआई ने पीएनबी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेल स्टेन जिसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही आंसर होगा डेल स्टेन कहां के हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2019 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर से कौन सी धारा को खत्म किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाल ही में 370 और 35A को जम्मू कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इस मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने बुर्का पर बैन लगा दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हाल ही में बुर्का पर बैन लगाने वाला देश नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ललित कथा अकादमी ने हाल ही में अपना कर्म का स्थापना दिवस कौन सा बनाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ललित कला अकादमी ने हाल ही में अपना कर्म का 65वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य डिजिटल फिंगरप्रिंट और आयरिस स्कैनिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों यह प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हाल ही में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने लगाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने इलेक्ट्रिक कार कहां पर लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारतीय सेना ने इलेक्ट्रिक कार दिल्ली में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व पद्म श्री विजेता राज लक्ष्मी पार्थ सारथी का निधन हो गया, उन्हें कब पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, उनको पद्म श्री पुरस्कार सन 2010 में मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुषमा स्वराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनके पास पूर्व में कौन सा मंत्रालय था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा सुषमा स्वराज के पास पूर्व में विदेश मंत्रालय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4000 की साइकिल रेस में जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा 4000 की साइकिल रेस जीतने वाली पहली महिला फियोन कोलबिंगर बनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनेश फोगाट पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट पोलैंड में ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी का वाशिंगटन ओपन क्रिकेट खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा एटीपी का वाशिंगटन ओपन क्रिकेट का खिताब डेनियल किर्गियोस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला 2D सोना नाखून से भी लाख गुना पतला सोना है कहाँ के वैज्ञानिकों के निर्माण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों ने निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के रहने वाले फेंक्रो जपाटा जेट संचालित होवरबोर्ड इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इस चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति फ्रांस के बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट को हाल ही में किस देश से बैन कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट को हाल ही में भारत देश से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाल ही में मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब नाथ जोशी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के यूरेनियम की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश ने रूस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट 2019 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फोर्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट 2019 की सूची में शीर्ष स्थान पर सेरेना विलियम्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस सरकार ने नावो गम योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्स का पांचवां संस्करण कहां शुरू हो चुका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, एम्स का पांचवां संस्करण जैसलमेर में शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने पॉइंट की कटौती की है? तो कितने पॉइंट की कटौती की है दोस्तों, 35 पॉइंट की कटौती की है आरबीआई ने रेपो रेट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के हासिम अमला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरान ने कितनी नई स्टिक निर्देशिक से मिसाइलों का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ईरान ने 3 नई स्टिक निर्देशिक मिसाइलों का अनावरण किया है, यासीन, बलबन और देम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोहिंग्या शरणार्थियों को किस देश का पहचान पत्र दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश का पहचान पत्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे चार्ली चैपलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हाल ही में चार्ली चैपलिन पुरस्कार से स्टीव कुगन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में डिस्कवरी इंडिया योजना किसने शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, यह डिस्कवरी इंडिया योजना एयर इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्वलेव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, हरियाणा के मानेसर में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्वलेव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, भारतीय सेना ने जम्मू में मिशन रीच आउट शुरू किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको इसी तरह आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।